इनको आज हमारे डिग्री कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। अगर ये गांदरबल के होने की सबब हमारे डिग्री कॉलेज में इनको एडमिशन नहीं मिलेगा, खुदा रहा मुझे बताए ये बच्चे कहाँ जाएंगे। क्या जी हमारा प्रॉब्लम ये था, हमने हाल ही में 12th पास किया जी, इसके बाद हम ये कॉलेज वाले बोल रहे हैं आपके परसेंटेज कम है, हम आप इधर ज्वाइन नहीं कर सकते हो। फिर हमारे मतलब जो परसेंटेज है कम है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मतलब ये बोल रहे हैं यहाँ से कंगन जाओ, कंगन वाले बोल रहे हैं यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, तो हम कहाँ जाएंगे। मेरे परसेंटेज है 56.8, इन लोगों ने 57 पे इन लोगों का कट ऑफ किया है। और मतलब मैं गांधी कॉलेज भी गया, वहाँ पर भी नहीं दिया, वो मैनेज गया वहाँ पर भी नहीं दिया, मतलब बहुत सारी कॉलेज मैंने मतलब ये लिस्ट वेस्ट भरा था, लेकिन कुछ नहीं एडमिशन नहीं हो रहा है यहाँ पर 41% से भी उठा लिए इनने, हमारी 50 भी है 56 भी, उनको नहीं लिया उन्होंने। 12th पास करने के बाद बच्चों को ये आशा होती है कि हम कॉलेज जाएंगे और कॉलेज में जो है पढ़ाई करेंगे। बहरहाल ये यहाँ पे मेरे साथ कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने 12वीं जमात के इम्तहान पास तो किए हैं, लेकिन इनकी परसेंटेज कम है, लेकिन अब क्या ये लोग पढ़ सकते हैं, क्या इनको अब बाहर जाना है बाकी यूनिवर्सिटी में, और गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके पास पैसे भी नहीं है, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। बहरहाल इन्होंने हमें फ़ोन कॉल की और इन्हें हमें यहाँ पे बुलाया, और आखिरकार डिग्री कॉलेज के सामने अभी हम मौजूद हैं, ये सड़कों पे निकले हैं, और क्या वजह है, क्यों सड़कों पे निकले हैं, और क्या मुतालबा है आला हुकाम से। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ और क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे। मेरा नाम है इशफाक जी। इशफाक सर क्या प्रॉब्लम है? जी हमारा प्रॉब्लम ये था, हमने हाल ही में 12th पास किया जी, इसके बाद हम ये कॉलेज वाले बोल रहे हैं आपके परसेंटेज कम है, हम आप इधर ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो आपने इस रिगार्डिंग जो आपकी यहाँ प्रिंसिपल साहब उससे बात की? जी हमने उससे बात की, उन्होंने बोला हमें ये सीटें बाकी ये अब जो बचे हुए हैं अब देखते हैं क्या करेंगे उनमें से, तो फिर उठाएंगे। क्या आप चाहते हो, आप क्या मैसेज रखिए आपकी तरफ से आला हुकाम से? हमारा रिक्वेस्ट है, हमारे साथ इंसाफ चाहिए। कदम जानना चाहता हूँ मैं, और क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपने मीडिया को यहाँ पे बुलाया? जी मेरा नाम उवासम शेख है, मैं कुजर का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का लोकल हूँ। मतलब हमने इससे पहले भी मतलब प्रिंसिपल मैम से बोला कि मतलब हमें एडमिशन चाहिए, तो उन्होंने बोला लिस्ट में जब नाम लिख लेगा तो आपको मतलब एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन हमारा सेकंड और फर्स्ट और थर्ड लिस्ट में मतलब नाम नहीं आया, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए यहाँ पे। हमारे मतलब जो परसेंटेज है कम है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मतलब ये बोल रहे हैं यहाँ से कंगन जाओ, कंगन वाले बोल रहे हैं यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, तो हम कहाँ जाएंगे। जी नाज़रीन इकराम, ये आप लोग ने यहाँ पे देखा कि ये यहाँ पे बच्चे कुछ मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, आखिर ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। 12वीं जमात के इम्तहान पास करने के बाद इनकी परसेंटेज अभी कम है, लेकिन अब ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। इनका कहना है कि अब हमें यहाँ से डिग्री कॉलेज कंगन के लिए भेजा जाता है, जब हम वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर कह रहे हैं कि आपको एडमिशन यहाँ पर नहीं हो सकता है, और आप डिग्री कॉलेज गांदरबल जाइए, जब हम गांदरबल आते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि आपको एडमिशन यहाँ पर नहीं हो सकता है, आपकी परसेंटेज कम है। लेकिन यहाँ पर ये लोग गरीब भी हैं और ये बच्चे गरीब भी हैं, इनके पेरेंट्स एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हिंदुस्तान की बाकी रियासतों की बात करेंगे, वहाँ की यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, वहाँ पे नहीं भेज सकते हैं। और यहाँ पे हमारी भी गुजारिश है आला हुकाम से, या यहाँ पे डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब जो हैं उससे हमारी गुजारिश भी है कि इन बच्चों को यहाँ पे दाखिला दीजिए। पर और भी मेरे साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इससे जानेंगे कि आपका नाम जानना चाहता हूँ मैं, और क्यों आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया, क्या परेशानी है? जी सर, मेरा नाम असलर चश्ती है और मैं नौकबल में रहता हूँ। जी सर, मैं तकरीबन 21 से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ लिस्ट निकलने का। पहले एक लिस्ट निकला वहाँ पर भी नाम नहीं था, फिर दूसरा निकला वहाँ पर भी नाम नहीं है, अब तीसरा निकला वहाँ पर भी नाम नहीं है। मेरे परसेंटेज है 56.8, इन लोगों ने 57 पे इन लोगों का कट ऑफ किया है। और मतलब मैं गांधी कॉलेज भी गया, वहाँ पर भी नहीं दिया, वो मैनेज गया वहाँ पर भी नहीं दिया, मतलब बहुत सारी कॉलेज मैंने मतलब ये लिस्ट वेस्ट भरा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब क्या मैसेज रहिए आपको आला हुकाम से, या जो आपकी प्रिंसिपल साहब यहाँ पे, इसके लिए क्या मैसेज रहिए? जी मैं यही कहना चाहता हूँ प्रिंसिपल साहब से कि हम लोग भी मतलब बिलोंग करते हैं कुछ गरीब फैमिली से, बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो भी गरीब फैमिली से हैं, मतलब हम लोगों ने बहुत सारे मतलब पिछले साल भी हमने बहुत ट्राई किया एडमिशन के लिए, उस साल भी नहीं हमारा हुआ, अब इस साल आ गए कि मतलब इस साल हमारा एडमिशन होना चाहिए किसी भी हाल से। जी आपका नाम जानना चाहता हूँ और क्यों आपने मेरे बुलाया? मेरा नाम आदिल है और मैं गांदरबल का रहने वाला हूँ, हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है यहाँ पर 41% से भी उठा लिए इनने, हमारी 50 भी है 56 भी, उनको नहीं लिया उन्होंने। जी सर, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपकी परसेंटेज कम है तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल सकता है, यही कह रहे हैं? हाँ सर, यही कह रहे हैं। क्या आप क्या चाहते हो आप? हम इंसाफ चाहते हैं। जी सर, जो दूसरा लिस्ट निकला वहाँ पर खाली मतलब कैटेगरी में होता है वो RCB कैटेगरी में, वो RBI, उन लोगों को वो सारे सीट्स निकले और हमारे परसेंटेज उनसे बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन हमें नहीं है। उन लोगों को 202 मार्क्स है, मतलब 50
40% ये है मार्क्स, उन लोगों को सबको मतलब सीट यहाँ पर एडमिशन हुई है, लेकिन हम लोगों को उससे ज़्यादा हर किसी को 50 से ऊपर हर किसी को है परसेंटेज, लेकिन हमें नहीं दिया। तब आपसे मैं जानना चाहता हूँ जिस तरीके से यहाँ पे इन बच्चों ने यहाँ पे फ़ोन किया, उनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, और इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। देखिए, सबसे पहले मैं यही बात कहूँगा कि अगर इस वक्त गवर्नमेंट फोकस दे रही है तो वो हमारे एजुकेशन पे फोकस दे रही है। हम आए दिन सुनते हैं कि एजुकेशन के लिए इतना किया जा रहा है, एजुकेशन के लिए इतने वसाइल खोले जा रहे हैं, तो बच्चों के लिए इतनी सुविधाएं दी जा रही है, बच्चों के लिए इतनी सहूलतें दिए जा रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल ये यहाँ आज परेशान हो गए जब इन अपने बच्चों को देखा जिन्होंने हाल ही में 12th पास किया है, और हमारे गांधरबल ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले ये बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, इनको आज हमारे डिग्री कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। अगर ये गांधरबल के होने के सबब हमारे डिग्री कॉलेज में इनको एडमिशन नहीं मिलेगा, खुदा रहा मुझे बताएं ये बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या ये बच्चे आपके बच्चे नहीं है? क्या इनको पढ़ना नहीं है? हम मानते हैं इनकी परसेंटेज कम है, लेकिन आपको पता है पिछले 3 साल से जो कोविड में लोग जूझे हुए हैं, कोविड की वजह से सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज बंद पड़े हुए हैं, हमारे बच्चे जो है ये जहनी मरीज का शिकार हो चुके थे और घरों में बैठे हुए थे, और उसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ पर अपनी कारकर्दगी दिखाई और अपने एग्ज़ाम को पास करके दिखाया, लेकिन बदकिस्मती से आज इनको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल रहा है। बल्कि अगर हम देखा जाए कि ये भी हमें यहाँ पर मौसूल हुई है इन्फॉर्मेशन कि बाकी डिस्ट्रिक्ट से जो बच्चे आए उनको एडमिशन मिला, तो मुझे आप ये कह दीजिए हमारे गांधरबल के बच्चों को अगर एडमिशन नहीं मिलेगा, अगर आज इनको नहीं मौका दिया जाएगा फिर से पढ़ने के लिए, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? तो मेरा एक सवाल है, तो मेरी एक अपील है यहाँ की हायर अथॉरिटी से, मेरी अपील है यहाँ की सिविल सोसाइटी से, जो हमारी सिविल सोसाइटी बार बार हमारे फेसबुक पर रहती है एक्टिव, लेकिन वो ज़मीनी सतह पर कहीं नहीं है। मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ता है हमारे सिविल सोसाइटी, यहाँ पर बहुत सारी सिविल सोसाइटी बनी हुई है, लेकिन वो सिविल सोसाइटियाँ कहीं नहीं है। क्या मेरा ये सवाल उन सिविल सोसाइटी है, क्या ये आपके बच्चे नहीं है? माना आपके बच्चे, आप वाइट कॉलर पीपल हो, आपके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में इस वक्त पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बिरूनी मुल्कों में पढ़ रहे हैं और आउटसाइड स्टेट्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये बच्चे गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं? क्या आपका फर्ज नहीं बनता, आपका हक नहीं बनता, हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम ऑन बिहाफ ऑफ दीज स्टूडेंट्स बात करें? मेरी गुजारिश है यहाँ पे मैसेज रहेगी आपको आला हुक्म से या हमारे जो प्रिंसिपल साहब यहाँ पे हैं डिग्री कॉलेज के, क्या मैसेज रहेगी? देखिए, मेरी सबसे पहले डिग्री कॉलेज जो गांधरबल की प्रिंसिपल साहिबा, अभी मेरी उनके साथ बात हुई, अभी मैं उनके साथ मुलाकात हुआ, तो मेरे ख्याल से 5 मिनट हो गए अभी उनके साथ मिले हुए, उन्होंने ये कहा कि हम भरपूर कोशिश करेंगे और हम हायर एफ को लिखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर डिग्री कॉलेज गांधरबल की प्रिंसिपल साहिबा इसमें एक अच्छा स्टेप लेती है, तो मेरे ख्याल से ये अमल यहाँ पे लाया जा सकता है और इन बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। दूसरी, हमारा जो ये डिप्टी कमिश्नर गांधरबल का है, हमारे एक अच्छे ऑफिसर है, होनहार अफसर है, काम करने वाले अफसर है, और हमेशा फील्ड पर रहते हैं, ऑन टोज रहते हैं, हमारी उनसे भी एक हैंडफुल रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब मेहरबानी करिए, देखिए आप भी अपने तरीके से कोशिश कीजिए और हायर एफ को लिखिए कि इन बच्चों को एडमिशन हमारे डिग्री कॉलेज में मिले, ताकि ये आने वाली पढ़ाई जो है वो जारी रखी। अब हमारी भी गुजारिश है आला हुकाम से और हमारी भी गुजारिश है यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा से कि इनको एडमिशन यहाँ पे मिलना चाहिए, ताकि ये और ज़्यादा सफ़र फ्यूचर में ना करें और ये अभी भी ये पढ़ना ही चाहते हैं और ये बैरूनी मुल्कों में या बाकी हिंदुस्तान के बाकी रियासत जो है वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो ऐसा नहीं है, और आखिर ये जाए तो जाए कहाँ? पर हमारी भी गुजारिश है कि इनको यहाँ पर एडमिशन जो है वो मिलना चाहिए।